नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। उच्च अदालत जनकपुर प्रगति विवरण सार्वजनिक के मुख्य प्रशंसा। उच्च अदालत जनकपुर आर्थिक वर्ष 2078-79 के वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक करते एक वर्ष में 49.15% मुद्दा के फसौट कैल गल जानकारी दिलक। उच्च अदालत जनकपुर के मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा कोरोना महामारी स्थानीय तह निर्वाचन तथा बेंच अभाव के कारण मुद्दा फसौट के दर में किछ कमी आयल जानकारी देने छन। ओ मुद्दा फसौट की स्थिति संतोषजनक रहल दावी समेत कलथ। ओ अदालत ऊपर के जनता के आस्था से काम कार्यवाही के चाप बढ़नाई स्वाभाविक रहल से हो काज के रफ्तार बढ़ाव अपने सब अ प्रति गंभीर रहल जिक्र केने छलथ। आर्थिक वर्ष 2078-79 में उच्च अदालत कुल 4,724 मुद्दा मध्य 2,322 मुद्दा फसौट कलक। कुल कायम मुद्दा मध्य 3,536 मुद्दा फसौट कर लक्ष्य लेने अदालत उक्त लक्ष्य प्राप्त कर असफल भेल। इससे पहले आर्थिक वर्ष 2079-80 में 2,402 मुद्दा सारल उच्च अदालत प्रगति विवरण में उल्लेख कलक। उच्च अदालत में आर्थिक वर्ष 2077-78 में 2,466 मुद्दा सार क आयल छल। तहिना 2,258 नया मुद्दा दर्ता भेल संगे 4,724 मुद्दा कायम भेल जानकारी दिलक। पिछला किस आर्थिक वर्ष मुद्दा फसौट के दर में कमी आयल उच्च अदालत जनकपुर के प्रगति विवरण में उल्लेख रहल। उच्च अदालत आर्थिक वर्ष 2075-76 में 72.96% मुद्दा फसौट केने छल। तहिना आर्थिक वर्ष 2076-77 में 55.20% आ आर्थिक वर्ष 2077-78 में 33.02% मुद्दा फसौट भेल विवरण में उल्लेख कलक। किसान आंदोलन अंतर्गत जनमत पार्टी आई सिराहा सदर मुकाम में प्रदर्शन करबाक तैयारी में जुटल। जिला के सब गांवपालिका आ नगरपालिका से जनमत के कार्यकर्ता सब आंदोलन के लिए सिराहा सदर मुकाम में जमा होब क्रम शुरू कलक। किछे बेर में प्रदर्शन होब समेत जनमत पार्टी जानकारी दिलक। किसान के मल खाद उपलब्ध कराब, किसान के पेंशन के व्यवस्था कर, खेत में सिंचाई कर लगात के 14 बूंदे मांग रह कर जनमत पार्टी किसान आंदोलन जारी रखने। किसान सबके मांग संबोधन नहीं भेल धेर तहिना किसान सबके मांग संबोधन के लिए आई प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाव जनमत पार्टी के नेता तथा औरी गांवपालिका 5 के पूर्व बड़ा अध्यक्ष दिलीप यादव जानकारी देने से। जनमत पार्टी काल्हिखन जनकपुर धाम में प्रदर्शन के क्रम में मधेश के कृषि मंत्रालय में तालाबंदी समेत केने छल। मांग पूरा नहीं भेल धरि तालाबंदी जारी रहत चेतावनी जनमत पार्टी सेहो देलक। सरलाही प्रहरी लागू औसत सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने है। जिला के हरिबन 9 दनुबारी से ना 20 पर 937 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार इनका सबके लागू औसत सहित नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देने से। नियंत्रण में रहल मोटरसाइकिल चालक चितवन के कालिका नगर पालिका 3 रनिहार 35 वर्षक दीपक खत्री आ पछाड़ी सवार काव्य पालन चौक के रोसी गांवपालिका 4 रनिहार 26 वर्षक विजय लामा रहल प्रहरी जानकारी दिलन। इनका सबके संग में से डाइजे पाम 495 एम्पुल, फेनरागन 500 एम्पुल, स्पास्मो प्रोक्सीवेन प्लस 144 एम्पुल आ लेवल आ नाम नहीं रहल 500 एम्पुल बरामद भेल। सरलाही प्रहरी के प्रवक्ता एवं DSP विजय यादव जानकारी देने छथि। प्रहरी के देखने बाद भीतरी सड़क खंड भाग क्रम में बुध दिन राति हिनका सबके लागू औसत सहित नियंत्रण में लक थप अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल प्रहरी जानकारी दिलक। सरकार जयनगर जनकपुर पुरथा रेल सेवा संचालन में आयल बाद थप सेवा विस्तार के तैयारी सेहो शुरू कलक। संभव साउन 30 गते से रेल के थप सेवा विस्तार के शुरुआत कर जेहन तैयारी शुरू कैल गेल जानकारी देने है। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना मध्य के रेल सेवा जयनगर जनकपुर पुरथा धरि संचालन भ रहल लेल सेवा आब बिजलपुरा धरि थप सेवा विस्तार के तैयारी में लागल नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा जानकारी देने छथि। पुरथा से 17.5 किलोमीटर रेल संचालन के लेल लीक पटरी होल्ट स्टेशन लगात के भौतिक पूर्वाधार संरचना तैयार भ चुकल।
ओ कहले तो 15 अगस्त के दिन सेवा प्रारंभ कर संबंध में नेपाल भारत के उच्च पदस्थ पदाधिकारी सब बीच बात शुरू भ चुकल है। थप सेवा उद्घाटन के मिति अखन टुंगो नहीं लागल है। इससे पहले कोर्था से बिजलपुरा धरि रेल के भौतिक पूर्वाधार के संरचना नेपाल सरकार रेलवे कंपनी के हस्तांतरण कर भेला से ब्याह प्रक्रिया से हो आगा बढ़ल हिंकर कहब रहल सल। भारतीय एकर्ण कंपनी करीब 3 करोड़ नेपाली रुपया लागत में बिजलपुरा खंड के रेल मार्ग के भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण के ने हिंकर कहब रहल है। अ मार्ग में रेल सेवा शुरू भेला के बाद बिजलपुरा से वर्दी बाँस धरि 18 किलोमीटर रेल के भौतिक पूर्वाधार संरचना के काज शुरू हैत जानकारी देने सहित। गृह मंत्रालय सार्वजनिक विदा के दिन चल वाला सरकारी सवारी साधन के चाबी नहीं छीन निर्देशन दिलक है। सार्वजनिक विदा में चलल सरकारी सवारी साधन के चाबी विभिन्न समूह छीनने बाद गृह यह निर्देशन दिलक है। बुध दिन गृह सचिव स्तरीय बैसार से उक्त निर्देशन जारी कल गया। गृह प्रहरी प्रधान कार्यालय आ सबटा जिला प्रशासन कार्यालय के पठेने पत्र में किछ दिन से सार्वजनिक विदा के दिन सरकारी सवारी साधन चलेने कहित विभिन्न समूह के नाम में सवारी साधन रोकने चाबी छीन लगात के गतिविधि सब भ रहल उल्लेख कल गया है। झंडा वाला सवारी साधन सुरक्षा निकाय प्रयोग केने सवारी साधन एम्बुलेंस दमकल जेहन अत्यावश्यक सवारी साधन सके सार्वजनिक विदा के दिन चलाव सवारी पास आवश्यक नहीं है कहित वह बमोजिम आवश्यक व्यवस्था मिला व गृह कहने है। इस संबंध में सर्वसाधारण के समेत सुसूचित कराव गृह प्रहरी आ जिला प्रशासन कार्यालय के निर्देशन दिलक है। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सरकारी सेवा के सवारी साधन विदा के दिन समेत चलाव भेला से अनिवार्य सवारी पास लेब मात्र गृह जानकारी दिलक है। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय के पार्टी एकता क नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाब प्रस्ताव केने छन। बुध दिन ललितपुर स्थित अध्यक्ष प्रचंड के एक नातेदार के घर में नेता त्रय बीच भेल भेंटघाट में अध्यक्ष प्रचंड उक्त प्रस्ताव केने छन। आ पार्टी एकता करू आ समाजवादी केन्द्र बनाऊ कम्युनिस्ट पार्टी बनाब नेकपा एकीकृत समाजवादी के साथी सब सहित एकता के वातावरण बनत प्रचंड भट्टराय के कहने छन। संगे भट्टराय शुरू में अपने कम्युनिस्ट पार्टी में नई आब बतौलों पर छलफल क अगाड़ी बढ़ प्रक्रिया देने सलैत प्रचंड के सबके सचिव रमेश मल्ल किछ दिन से डॉक्टर भट्टराय लगात के नेता सब संग निरंतर भेंटघाट भ रहल आ अही क्रम में बुध दिन भिनसर से डॉक्टर भट्टराय संग भेंट भेल जानकारी देने सलैत। इससे पहले हिंका सब बीच बीतल मंगल दिन सिंह दरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्र के संसदीय दल के कार्यालय में समेत छलफल भेल छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन आ चांदी के दाम में गिरावट आयल है। सोन तोला के 1,000 रुपया से घटल तो तहिना चांदी आई तोला के 10 रुपया से घटल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिलक है। आई छापावाल सोन के दाम प्रति तोला 93,000 रुपया निर्धारण कल गया है। तहिना तेजाबी सोन के दाम 92,500 रुपया निर्धारण कल गया है। संगे चांदी के दाम तोला में 1,155 रुपया रहा है। बुध दिन छापावाल सोना प्रति तोला 94,000 संगे तेजाबी सोन के दाम 93,500 रुपया रहल सल। तहिना बुध दिन चांदी प्रति तोला 1,165 रुपया में खरीद बिक्री भेल सल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे शपथ लेने सहित 6 बेर प्रधानमंत्री बनल विक्रमासिंघे राजधानी कोलंबो में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच बृहस्पति दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलथि। विक्रमासिंघे प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या समक्ष शपथ लेने सहित श्रीलंका के प्रहरी प्रमुख आ उच्च सैन्य अधिकारी सब नया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक भेल सलैत। एहि बीच संकट व्यवस्थापन कर श्रीलंका में मिलजुल कर सरकार गठन होब के प्रयास भ रहल जानकारी से देल गेल। विक्रमासिंघे अपन सहपाठी तथा पूर्व सार्वजनिक प्रशासन मंत्री दिनेश गुणवर्दे के मिलजुल कर सरकार में प्रधानमंत्री बन आमंत्रित कर
अपेक्षा केने छथि। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन के मतगणना भ रहल अछि। जुलाई 18 में सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचन के मतगणना आई भिनसर 11 बजे से शुरू भेल अछि। निर्वाचन में सत्तारूढ़ लोकतांत्रिक गठबंधन DND के दिस से आदिवासी संथाल महिला द्रौपदी मुर्मू आ विपक्षी के दिस से यशवंत सिन्हा प्रतिस्पर्धा में रहल छन। मुर्मू के जीत निश्चित रहला से मतगणना औपचारिक मात्र रहल भारतीय समाचार माध्यम NDTV जानकारी दिलक अछि। दिनक 4 बजे से मतगणना आब अपेक्षा कयल गेल अछि। भाजपा द्रौपदी मुर्मू के विजय के उत्सव मनाब व्यापक तैयारी सेहो कयलक अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्मू के 3 मूर्ति मार्ग में रहल हिनकर अस्थायी आवास में भेट तहिना चुनावी नतीजा घोषणा भेलाक बाद बधाई देव कार्यक्रम रहल स्रोत जानकारी दिलक अछि। मुर्मू के गृहनगर ओडिशा स्थित रायरंगपुर के बासिंदा सब सेहो 20,000 मिठाई तैयार क के उत्सव मनाब तैयारी में रहल समाचार में उल्लेख रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सब अपना विदा मांगे छी। देखत रही TV टुडे जनकपुर। नमस्कार।